कांग्रेस को संबोधित करें। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहती है कि चौथी बार एनडीए को बिहार में सेवा करने का मौका है। मित्रों, में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 12 सभाओं को संबोधित किया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो वास्तव में बिहारी बनके बिहार के रहने वाले थे, लेकिन पूरा मोर्चा जिन्होंने संभाल लिया, और भूपेंद्र यादव जी से लेकर हमारी पूरी केंद्रीय टीम, और जो एनडीए गठबंधन के तमाम नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री मुकेश सहनी जी, उन सभी लोगों को मैं अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मित्रों, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा बोझी। अभी से करीब 1.5-2 घंटे पूर्व राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से जाकर चुनाव आयोग के सामने अपनी बातों को कह रहे थे, देखिए वही लोग हैं जो पहले चुनाव का विरोध कर रहे थे। ये कह रहे थे कि कोरोना में चुनाव नहीं होना चाहिए, इनको मालूम था कि इनकी करारी हार होने वाली है, पहले तो उन्होंने चुनाव कराने का ही विरोध किया, और जब चुनाव फिर परवान चढ़ने लगा तो राहुल गांधी का बयान आता है कि ईवीएम नहीं बल्कि एनवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन है। मुझे पूरा विश्वास है कि कल जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता है वो ईवीएम के अंदर खामियां गिनेंगे और सारा दोष ईवीएम पर बढ़ेंगे, ईवीएम के कारण चुनाव हार गए। तो मेरे मित्रों, बिहार की जनता ने जिस प्रकार का जनादेश दिया है और स्पष्ट बहुमत दिया है एनडीए गठबंधन को, मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि बीजेपी और एनडीए उनके सपनों पर खरी उतरेगी, और जिस तरह 15 साल लगातार हम लोगों ने बिहार की जनता की सेवा की है और बिहार को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, आगे आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हम बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, बिहार को और विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिहार की तमाम जनता, अपने तमाम कार्यकर्ता और सभी लोगों को फिर से एक बार इस स्पष्ट जनादेश के लिए और धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री जी। मैं अब अनुरोध करूँगा कि इस पूरे चुनाव के दौरान हमारे दो प्रमुख नेताओं ने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है, तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूँगा हमारे चुनाव संचालन समिति के संयोजक माननीय नित्यानंद राय जी से कि वह भी सभी